हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा है। फ्रेंड्स, इसको आज हम लोगों ने शिव जी के रूप में तैयार करके कुछ फ़ोटोशूट किया है जो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया और सारी तैयारियाँ कैसी की थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मुझे इसके साइज़ का कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नॉर्मल इस प्रिंट का जो है एक कपड़ा ले लिया था जो कि लगभग 2 मीटर के आसपास है। ये मुझे 70 रुपीज़ मीटर पड़ा, मैंने 2 मीटर लिया है। इसमें से मैं थोड़ा सा 1/4 पार्ट जो है वो कट कर लूँगी, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैं क्यों कट कर रही हूँ इसको। आप लोगों को मेरी आवाज़ कुछ अलग लग रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इतना पार्ट मैंने ऐसे कट कर लिया था जो ये बॉटम बनेगा और इसको मैं ऊपर पहनाऊंगी, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे किस तरीके से पहनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो शिवाय का एक बॉटम मैं ले लूँगी जो कि उसके घुटने से ऊपर तरफ का है, और ये कपड़ा थोड़ा सा लंबा था फ्रेंड्स, मतलब हाइट में थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसको मैंने फोल्ड करके एक बड़ी बड़ी सिलाई मार दी इसमें, ताकि कि वो शिवाय को बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का हो जाए। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसे कपड़े लेके कॉस्ट्यूम बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप भी उनके हाइट का इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। और इसमें एक बार सिलाई जैसे ही बड़ी लग जाएगी, उसके बाद फिर जो है हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे, ताकि इसमें ऐसे वो चुन्नट वाला जो थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाए कुछ इस तरीके से। प्रॉपर इसमें जब अच्छे से डिज़ाइन आपको दिखने लगेगा फ्रेंड्स, उसके बाद जो है इसको बॉटम में हमें फिट करना है। तो फ्रेंड्स, बॉटम में जैसे मैं फ़िट कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करूँगी। जैसे कि हम साड़ी में प्लेट्स वगैरह बनाते हैं, वैसे ही इसमें बनाना है प्लेट्स, और उसके बाद इसको इसमें हमें सिलाई करते जाना है। थोड़ी सी मेहनत का काम ज़रूर है फ्रेंड्स, पर इस तरीके से अगर बच्चे को पहना देते हैं तो हमें रिस्क कम रहता है कि ये निकल जाएगा या खुल जाएगा, तो फ़ोटोशूट में थोड़ा कम्फर्टेबल वो रह पाएगा और हमें भी थोड़ी दिक्कत कम होगी इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको रेडीमेड मिल जाता है कोई कॉस्ट्यूम तो वही लेना चाहिए, वो ज़्यादा इजी रहता है, पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यही लिया है। वैसे देखा जाए तो इसका प्रिंट भी कुछ अलग है, पर ठीक है, काम चल जाएगा इसमें मेरा। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फिट कर लिया है इसमें। आप अगर ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स, तो बॉटम में जो इलास्टिक लगा रहता है उसको थोड़ा खींच खींच के स्टिच करिएगा, नहीं तो क्या होता है कि कमर की साइज़ इसमें छोटी हो जाती है बाय मिस्टेक। ये मुझसे एक बार हो चुका था, इसलिए मुझे इसका आइडिया है कि इस तरीके से हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसकी अगर इलास्टिक को खींच करके सिलाई मारेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, साइड में थोड़ा सा खुला जो पार्ट है उसको भी हम लोग अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई मार देंगे। ये बिल्कुल स्कर्ट के जैसा रेडी हो जाएगा, लेकिन इसको पहनाते टाइम पे हम इसको थोड़ा सा अप डाउन रखेंगे ताकि ये शिवजी के कॉस्ट्यूम के जैसा दिखे। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें जो चंद्रमा आप देख रहे हैं शिवाय के सर के ऊपर है, वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसमें आप चांद के शेप का कट करके उसके ऊपर मैंने नेल पेंट लगा के थोड़ा सा ग्लिटर लगा दिया था। इसके पीछे फ्रेंड्स एक कॉमेडी भी हो गई थी, मैंने हड़बड़ी में जो चंद्रमा बनाया था वो थोड़ा सा फनी बन गया था, मतलब वैसे बच्चों ने बनाया बिल्कुल वैसा लग रहा था मुझसे। तो मेरे हस्बैंड ने आके मुझसे बोला कि अरे ये तुमने क्या बनाया। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मैं पेंट कर रही हूँ, ये उन्होंने मुझे कट करके दिया था। कई बार फ्रेंड्स मुझमें ज़रा सा भी पेशेंस नहीं रहता है, तो मैं कोई भी चीज़ फटाफट जल्दी से करना चाहती हूँ ख़त्म, तो इसी चक्कर में मैं कई बार ऐसे ही काम चलाऊँ काम कर लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड फिर आते हैं और मेरी गुगली उड़ा देते हैं कि ये क्या तुमने बनाया है, ये कैसा बनाया है। तो देखिए, ये इस तरफ का जो आपको दिख रहा है राइट हैंड तरफ का, वो मेरे हस्बैंड ने बनाया और लेफ्ट वाला मैंने बनाया है। तो जो फ्रेंड्स ये फाइनल वाला बना है, उसमें हम लोग ये बो स्टेपलर से जो है अटैच कर देंगे। अब देख लेते हैं सारी चीज़ें एक बार। तो जो है ये स्कर्ट जैसा मैंने बनाया, ये ऊपर पहनाने के लिए है, कमर पे पहनाने के लिए एक स्टोल ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये त्रिशूल जो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने रेंट पर लिया हुआ है, मार्केट में मिल गया था हमको ऐसा वाला, और साथ ही ये डमरू भी हमने रेंट पर ही लिया हुआ है। इसके साथ में एक ऐसा सांप है शिव जी का, जो मुझे लगता है वो गले में तो नहीं पहनेगा, इसलिए मैं उसको त्रिशूल में ही फिट करने का सोच रही हूँ। मैंने शिवाय को फ्रेंड्स कृष्ण जी के जैसे भी रेडी किया था, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसमें भी मैंने यही टिप दी थी कि जब भी आप बच्चों को रेडी करते हैं पहले सारी चीज़ एक जगह इकट्ठी कर लीजिए। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही किया है। कुछ माला वगैरह है रुद्राक्ष की, ये कुछ ब्रेसलेट जैसा है, ये फ्रेंड्स जटा भी हम लोगों ने ली थी, पर शिवाय के नेचुरल हेयर से अभी तक मुंडन नहीं हुआ इसलिए है, इसलिए मैं उसकी नेचुरल बालों पर ही हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो जब वो दोपहर में फ्रेंड्स सो रहा था, तब बड़े ही आराम से मैंने सोचा कि मैं उसका टीका बना लेती हूँ।
जब भी फ्रेंड्स बच्चों का फ़ोटोशूट करना हो या उनको ऐसे रेडी करना हो तो बस एक बात का ख्याल रखिए फ्रेंड्स के उनका पेट बहुत अच्छे से भरा हो और उनकी नींद अच्छे से हुई हो और उनकी पसंद की कोई चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए तो वो बहुत ही अच्छे से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लेते हैं। तो मैंने यही सब टिप अपनाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ ये लैक्मे आइकॉनिक काजल है जो स्मच फ्री है। जानबूझकर मैंने ये काजल लिया है फ्रेंड्स ताकि वो फैला ना दे। तो यहाँ पर मैं जो शंकर भगवान की तीसरी आँख होती है कुछ ऐसे ड्रॉ कर लूँगी इससे, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा दिया था। वैसे इतना सा ही करते शिवाय उठ गया था फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने उसको जागते हुए ही टीका बनाया था। पर बच्चों को जागते हुए आप कभी भी ऐसे मेकअप करते हैं तो वो अक्सर ख़राब कर ही देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। तो कभी भी ऐसा होता है फ्रेंड्स तो आप इसको ईयरबड लेकर आराम से क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही सफाई से क्लीन हो जाता है। उसके बाद शिव जी के सर पर फ्रेंड्स चंदन का टीका होता है ऐसे लाइन वाला, बट मैं यहाँ पर लिक्विड बिंदी का यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की, ताकि फ़ोटो में वाइट कलर बहुत अच्छा दिखे। तो ये टीका कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। इसके बाद इसको फाइनल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर नीचे एक लिक्विड बिंदी से ही रेड कलर का टीका लगा रही हूँ। देखें इसे, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था फ्रेंड्स। इसको फूंक कर मुझे सुखाना पड़ रहा था, नहीं तो वो ख़राब कर दे रहा था बार बार। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मैं इसकी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो ऊपर एक चोटी बनाकर जो डोनट होता है वो लगाकर मैं यहाँ पर इसकी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। डोनट लगाने के बाद फ्रेंड्स शिव जी के सर के ऊपर भी ऐसे रुद्राक्ष की माला रहती है, तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही लगा दूंगी। उसके बाद मैंने इसको कॉस्ट्यूम पहना दिया है और साइड में जैसे दुपट्टा लेते हैं उस तरीके से ऊपर का लेकर साइड में सेफ्टी पिन से अटैच कर दिया है। कमर में फिनिशिंग दिखे इसके लिए मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्टोल ले रही हूँ जो मैं इसके कमर पर बांध दूंगी। उसके बाद सारी माला और जो भी चीज़ें हैं इसको पहना दूंगी। फ्रेंड्स इसमें आप जो देख रहे हैं बड़ी रुद्राक्ष की माला, वो थोड़ी सी हैवी थी तो वो इरिटेट हो रहा था, तो मैंने उसको साइड में कर दी थी बाद में। हाथों में और बाजूबंद में भी जो है रुद्राक्ष पहना दिए थे। ये माला साइड में कुछ इस तरीके से करती थी, और गले में जो हल्की फुल्की माला थी वो सारी पहना दी थी मैंने उसको। चंद्रमा फ्रेंड्स जो हमने बो अटैच किया था उससे टिक टैक क्लिप से मैंने यहाँ पर फिट कर दिया था। अगर वो गले में फ्रेंड्स इस तरीके से सांप को पहनता तो और भी अच्छा लुक आता, बट बच्चे नहीं रहने देते हैं इसलिए मैंने इसको त्रिशूल में फिट किया था बाद में। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे शिवजी रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स शिवजी को कैसे रेडी करना है बच्चों को शिवजी के रूप में, वो वीडियो यहीं तक था। आगे वीडियो में आप इसकी फ़ोटोग्राफी देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने इसकी जितनी भी फ़ोटोग्राफी की है उसमें से कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स आगे वीडियो में दिखाए हुए हैं। लेकिन अगर वीडियो आप यहीं तक देख रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आई होगी तो, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बेबी कृष्णा और बेबी को धोती कैसे पहनाना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फ्रेंड्स मैं आपको एजेस पॉजिटिव वाइब्स के नाम से मिल जाऊंगी, या फिर प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पर भी लिंक दे दूंगी। तो आइए फ्रेंड्स यहां पर देख लेते हैं आज की हमारी कुछ फोटोग्राफी। फ्रेंड्स मैं यहां पर पहले आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, छोटे मोटे टिप्स हैं लेकिन बड़े काम के टिप्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताए कि बच्चे की नींद अच्छे से हुई हो, उनको खाना आप अच्छे से खिला दीजिए, और साथ में हो सके तो उनकी मनपसंद कुछ चीज़ें रख लीजिए, उनके टॉयज या उनके लिए कुछ चॉकलेट जो भी उनको अच्छा लगता है वो, और बड़े ही पेशेंस के साथ बच्चे का फ़ोटोशूट कीजिए फ्रेंड्स। इसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहुत इन्जॉय करने का टाइम होता है फ्रेंड्स ये बच्चों के साथ का, तो इसको ज़रूर इन्जॉय करिए। और बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उनके साथ जब तक वो छोटे हैं तब तक आप भी अपना बचपन इन्जॉय करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड्स अगर वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।
फ्रेंड्स फाइनली वीडियो हो गया है कंप्लीट। मैं आज के दिन इसे अपलोड करना चाह रही थी, आज शिवरात्रि है तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और फिर से कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। फ्रेंड्स देखिए 2:30 बज चुके हैं तो मैं अब सोने जा रही हूँ, शिवा उसके डैडी कब से सो चुके हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।